फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डीएसयू एजुकेशन चैनल से खुशबू भड़गुजर आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जो पिछले वीडियोस थे उसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। सबसे पहले आता है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस हो और अगर उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये अगर शब्द आते हैं तो वो जो वाक्य होगा तो वो तो किसका होगा, केवल पास्ट कंटिन्यूस का। हमने पहले भी जो वीडियोस थे उसमें पढ़ा था कि अगर किसी वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी और रहे थे आता है वो तो किसका होता है, पास्ट कंटिन्यूस का। लेकिन अगर उस सेंटेंस में अगर टाइम दे रखा हो और समय के साथ में उसमें से जुड़ा हुआ हो तो वो जो वाक्य होगा वो किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो यानी कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसकी पहचान क्या बन जाएगी कि अगर कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में अगर रहा था, रही थी, रहे थे और उसमें समय के साथ में से जुड़ा हुआ है तो वो जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, यानी कि अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है तो हम उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन, और हैड बीन का जो यूज़ होता है वो सारे सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के ही साथ में हैड बीन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। पिछली वीडियोस जो थी उसमें भी मैंने बताया था सिंस और फॉर के बारे में। वापस हम देखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ किसके साथ में किया जाता है, क्योंकि टेंस में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो सिंस या फॉर के यूज में ही होता है। अब पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ सिंस। देखो, अगर सिंस का हमें यूज करना है तो उसमें क्या होगा, एक निश्चित टाइम होगा, एक निश्चित टाइम होगा, उसके साथ में हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 o'clock, यानी कि 4 बजे, तो 4 बजे क्या है, एक निश्चित समय, तो इसके साथ में क्या करेंगे, हम सिंस का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सिंस मंडे, तो सोमवार, सोमवार क्या है, एक निश्चित समय, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ लिखा है सिंस 10 मार्च, यानी कि 10 मार्च, 10 मार्च क्या है, एक निश्चित तारीख है, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखा है सिंस जुलाई, जुलाई क्या है, एक निश्चित महीना है, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखा है सिंस 1990, यानी कि 1990, यानी कि कोई भी सन आ जाता है, 1947, 2020 या कुछ भी आ जाता है, तो उसके साथ में भी हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, इनके साथ में किसका यूज होता है, सिंस का यूज किया जाता है। सिंस टूडे, यस्टरडे, टुमारो, ये जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में भी सिंस का यूज़ किया जाता है। लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये जो होते हैं शब्द उनके साथ में भी सिंस का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ फॉर, यानी कि फॉर का यूज़ किन के साथ में किया जाता है। फॉर का जो यूज़ होता है वो समय अवधि के साथ में किया जाता है। फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे, अब वो 3 घंटे कोई भी 3 घंटे हो सकते हैं, चाहे वो सुबह के हो, दोपहर के हो, शाम के हो, रात के हो, कोई भी 3 घंटे हो सकते हैं। तो यानी कि जो फोर का यूज़ होता है, जैसे 3 आवर्स, 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह, अब वो 2 सप्ताह कोई भी हो सकते हैं, कौन से भी मंथ के कोई भी 2 सप्ताह हो सकते हैं। फॉर 6 मंथ, 6 महीने, कौन से भी साल के कोई भी 6 महीने वो हो सकते हैं। तो 6 महीने क्या, एक समय अवधि है, यानी कि 6 महीने क्या हो गया, एक समय अवधि हो गई, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखा है 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल, अब वो 2 साल कोई भी 2 साल हो सकते हैं, तो इसके साथ में भी किसका यूज़ किया जाता है, फॉर का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखो पीछे इसमें क्या आ रहा है, रहा था, हमने भी यहाँ क्या पढ़ा था, रहा था, लेकिन इसमें क्या है, से जुड़ा हुआ है,
और सोमवार क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यानी कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे होता है और उसमें समय के साथ में से जुड़ा हुआ होता है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो किसका होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक। अध्यापक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टीचर। तो सेंटेंस बना द टीचर। अब हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यहाँ तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन ही लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड बीन, द टीचर हैड बीन। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वो क्या काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। हमने भी क्या लिखा, टीच। अब हमें क्या लगाना है, आईएनजी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, तो इसके साथ में क्या बन जाएगा, टीचिंग। तो सेंटेंस बना द टीचर हैड बीन टीचिंग। अब हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, कि वो क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी। अंग्रेजी को क्या कहेंगे, इंग्लिश। तो लिखा द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। अब लगाना है हमें सिंस या फॉर। अब पहले ये देखना है किसके साथ में क्या टाइम दे रखा है, क्या दे रहा है वो हमें, सोमवार। तो हमने यहाँ लिखा है मंडे, तो मंडे के साथ में क्या लगेगा, सिंस। तो हम यहाँ सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे, सिंस। तो लिखा सिंस। अब हमें क्या लगाना है, टाइम। टाइम यहाँ पर क्या है, सोमवार, तो हम क्या लिखेंगे, मंडे। तो सेंटेंस क्या बना, द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। ये जो सेंटेंस था वो इसका क्या था, केवल सिंपल सेंटेंस था। अब हम इसे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हिंदी में पहले बनाते हैं, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी में वो सेंटेंस बनेगा, अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अब जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो वही है, केवल हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस बनेगा, देखो पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लिखा द टीचर हेड। मैंने उस दिन भी बताया था उस वीडियो में कि अगर बी बीन या बींग होते हैं वो मेन वर्ब के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, जैसे बीन है ना। तो हम अगर यहाँ पर ये लिखेंगे, अगर हैड नॉट, हैड बीन नॉट, तो वो हमारा सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि ये जो बी बीन है, बी बीन या जो बींग होता है वो मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसे मेन वर्ब के साथ में ही रखना है। जो नॉट होगा उसको हम क्या करेंगे, बीच में लगाएंगे। तो देखो इसका जो सेंटेंस है, द टीचर हैड नॉट बीन, अगर हमने बीन नॉट किया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, द टीचर हैड नॉट बीन। अब वापिस वही टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब हम इसका बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो हिंदी में बनेगा, क्या अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो हमें उससे क्वेश्चन पूछना है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम हिंदी में कैसे बनाएं, तो हमें उस सिंपल सेंटेंस से उसको क्वेश्चन पूछना है। तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेंगे, हिंदी में क्या क्या यूज़ करेंगे, तो क्या अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब भी हमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो यहाँ पर भी अगर हम हैड बीन द टीचर लिखेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बी बीन या बींग है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही जुड़े हुए रहते हैं। तो हमने यहाँ लिखेंगे केवल हैड को बाहर निकालें, हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब बात आती है इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्या अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो लिखेंगे पहले हेड, फिर द टीचर, अब हम क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या आएगा, बीन। अब जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी क्या है, टीचिंग, फिर इंग्लिश सिंस और मंडे। ये था इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये इसके चारों सेंटेंस है कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।